जान तुम यहां पर बैठो, मैं आटा निकाल के आती हूँ। चलो तुम बेटा बैठ जाओ, मैं कुक कर बना तो रही हूँ ना। तो बना रही हूँ, मुझे दो मैं बना आटा गूंथ। आटा भी गूंथ लूंगी, इसको बना लूंगी ना। मुझे थोड़ा सा, मुझे भी तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। जो मेरे भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ में हैं, जो किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, और जो है ना वीडियो को पूरा वॉच कर रहा, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो प्यारे वर, पहले तो मेरी तरफ से आप तमाम भाई और बहनों को 20वां रोज़ा मुबारक हो। तो व्यवर्स, आज जो है ना हम गुड़ वाली रोटी बना रहे हैं अफ्तारी के लिए। ये देखिए अजान और मैं जो है ना, आज जो है ना हम कुछ टाइम पर लगे हुए हैं, चलो हमने सोचा कि जल्दी तो बना लेंगे जी। तो व्यवर्स, आज जो है ना मौसम अजीब बना हुआ है, ठंडा तो है लेकिन जो है ना काफ़ी हवा चल रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा ही मौसम बना हुआ है। देखें ये वो मुझे दे दो, तुम देखो तो सही, मैं ये बना रही हूँ ना। देखो पहले मैंने इसमें पानी डाल लिया है ना, इसका आटा गूंदूंगी। हाँ, इसमें आटा गूंदूंगी, फिर जो है ना गुड़ वाली रोटी बन जाएगी। चलो साथ में जो है सालन नहीं बनाना पड़ेगा। अजान इस पर रुमाल डाल दो, कम वक्त ये जो मक्खियाँ हैं ना इन्होंने बहुत तंग करके रखा है, वैसे भी गांव में तो ज़्यादा होती हैं ना। देखूँगा ना मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा आटा, और इसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करूँ। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि गुड़ वाली रोटी बना लेती हूँ, चलो सालन तो नहीं बनाना पड़ेगा ना। जी तो यार अभी जो है ना सिर की अजाने हो रही हैं माशाल्लाह से, मोबाइल में भी आवाज़ आ रही है। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि आज जो है ना कुछ टाइम पर काम जो है ना अफ्तारी की रोटी वगैरह बना लेती हूँ। और जो है ना अजान ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है, इनके जो है ना ईद पर कपड़े नहीं है ना, ये बेचारा बहुत ही परेशान है। मेरा बस ये स्कूली एक सूट है। क्या पहनोगे? मैं घर भी यही पहनता हूँ, स्कूल भी यही पहनता हूँ। हाँ, ये शाम को जो है ना पुराने पहन लेगा, इसको जो है ना मैं धो लूँगी, फिर जो है ना सुबह स्कूल जाएगा ना इनको पहन कर फिर जाएगा। अच्छा अजान मैं ऐसा करती हूँ, आटा गूंथ के रख लेती हूँ, असर की नमाज अदा कर लेती हूँ, फिर जो है ना रोटी बनाएंगे गुड़ वाली रोटी, ठीक है ना। तो देखे सासू माँ ने भी असर की नमाज का वजू कर लिया है,
वो भी नमाज पढ़ने जा रही है और मैंने भी आटा गूंथ लिया है और इंशाल्लाह मैं भी अब वज़ू करूँगी, नमाज पढ़ूंगी, फिर जो है ना पराठा नहीं बनेगी इसको जो है ना मन कहते हैं, गोड़ वाले मन। एक मुझे बना दो, एक कुछ मन को और मुझे भी एक बना रहा, मैं जूते दो रहा। आज जो है ना हवा चल रही है ना, ये रोटी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक अफ्तारी वास्ते बनाओ। हाँ एक बनाएंगे अफ्तारी वास्ते बनाएंगे। बड़े सो अफ्तारी कितने बड़े सो। आज आसानी से नहीं बनेगी ना रोटी, इतनी तेज हवा चल रही है ना। मौसम तो माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है तो, लेकिन जो है ना चूल्हे पर आग जलाना मुश्किल हो रहा है। पहले जो है ना मैं सहरी अफ्तारी के लिए बनाऊंगी ना। सहरी वाली वीडियो तो व्यूअर्स हम बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे मोबाइल का हाँ, तो आपको पता ही है कि हमारे मोबाइल का जो है ना काफ़ी रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो सहरी वाली वीडियो जो है ना हम बना ही नहीं सकते, हमारी इतनी मजबूरी है क्योंकि सहरी के टाइम जो है ना अंधेरा होता है ना, इसी वजह से भला वो भी लगा ले तो फिर भी नहीं, फिर भी रिजल्ट नहीं है ना मोबाइल का, फिर भी उसमें दबे आ रहे हैं, क्या करें। ये मजबूरियाँ भी जो होती हैं ना इंसान को जो है ना बस मजबूरी कर देती हैं हर काम, मजबूरियाँ जो होती हैं मजबूरी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ये जो है ना गोड़ वाली जो है ना मन होता है वो तैयार हो चुका है। अब जो है ना दादी माँ को देकर आओ, वो रोज़ा अफ्तारी करेगी। आज जो है ना कुछ खास नहीं था ना रोज़ा अफ्तारी के लिए, व्यूअर्स मैं और रोटियां भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो प्यारे व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।